दोस्तों हम आपके इस वीडियो में बताएंगे स्क्रब मसाज, फेस पैक और मास्क पैक करने का तरीका। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा और आखिर तक का देखिएगा, जब भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चेहरे पर कुछ भी लगाने से पहले चेहरे को आपको पानी मार करके धो लेना है बढ़िया से। इस तरीके से आप पानी मार करके चेहरे को साफ कर लीजिए, चेहरे पर जो भी धूल धक्कड़ गर्द मिट्टी लगी वो साफ हो जाए। इस तरीके से चेहरे को साफ करने के बाद में दोबारा से पानी मार करके पूरे चेहरे को भिगो दीजिए। उसके बाद में लगाना है आपको सबसे पहले स्क्रब। इस तरीके से पानी मार करके पूरे चेहरे को भिगो देना है। हम लगाएंगे इनके चेहरे पर दोस्तों ये है मैंगलो अप्रिकोट स्क्रब, बहुत अच्छा स्क्रब होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। इस तरीके से हाथ पर निकाल करके पूरे चेहरे पर लगा देंगे। ये रहता तो जॉय का फेस वॉश, जॉय तुलसी एंटीसेप्टिक फेस वॉश है। स्क्रब में फेस वॉश मिला करके मसाज करना है। ये रहता तो गुलाब जल, गुलाब जल डाल करके आपको 5 मिनट तक का मसाज करना है। इस तरीके से आप पूरे चेहरे मसाज करिए कम से कम 5 मिनट तक का। पाँच मिनट मसाज करने के बाद में आपको मसाजर चलाना है इस तरीके से पूरे चेहरे पे। मसाजर मशीन आप कम से कम 3 से 4 मिनट तक का ज़रूर चलाइए। मशीन चलाने के कई फ़ायदे हैं दोस्तों, इससे चेहरे पर निखार आता है, चेहरा अच्छा ग्लो करता है। चेहरे पर कील मस्तक जो गड्ढे होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। चेहरे के मांसपेशियों जो ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है वो सही हो जाता है। तो जब भी आप चेहरे पर स्क्रब मसाज करें तो उस पर आप मसाजर मशीन ज़रूर चलाइए। आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप कम से कम 10 मिनट तक के हाथ से मसाज करें। दोस्तों ये है ऑरेंज फेस वॉश, ऑरेंज फेस वॉश स्क्रब। ये स्ट्रॉबेरी का ऑरेंज फेस वॉश है। आपके पास इसका जगह कोई दूसरा हो तो आप लगा सकते हैं। मशीन चलाने के बाद में आपको फेस वॉश लगाना है ऑरेंज का। ये स्ट्रॉबेरी ऑरेंज फेस वॉश है, इसको हमने इनके चेहरे पर लगा दिया है। इसको लगाने के बाद में 3 से 4 मिनट तक आपको इस तरह से मसाज करना है पूरे चेहरे पर। दोस्तों मसाज करने के बाद में हम इनके चेहरे पर लगाएंगे फेस पैक, फिर उसके बाद लगाएंगे मास्क पैक। यह है दोस्तों अलवेरा जेल, स्ट्रॉबेरी का अलवेरा और नीम जेल है ये। इसके जगह पर आप कोई दूसरा अलवेरा आप लगा सकते हैं जो भी हो आपके पास। दोस्तों चेहरे की क्रीम अगर सूख गया तो आप उस पर पानी मार लीजिए। इस तरीके से पानी मार करके आप जो है कि मसाज करिए बढ़िया से। आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल डालते रहिए, पानी जगह आप गुलाब जल डालिए, गुलाब जल डाल करके बढ़िया से मसाज करिए।
गुलाब जल नहीं है तो आप पानी मार करके भी इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। जितना अच्छा आप मसाज करेंगे चेहरे पर उतने अच्छा निखार आएगा, उतने अच्छा चेहरा ग्लो करेगा। तो इस तरीके से आपको 15 से 20 मिनट तक का मसाज करना है बढ़िया से, उसके बाद में चेहरे को धो दीजिए। तभी हम धो करके आपको दिखाते हैं कि इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, कितना अच्छा मसाज हुआ है चेहरे पर, कितना अच्छा ग्लो है। अभी धो करके आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इनके चेहरे का निखार देखिए। प्लीज लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों फेस पैक। ये तो रोज फेस पैक गुलाब से बना हुआ ये फेस पैक है। तो स्क्रब करने के बाद में आप चेहरे को धो लीजिए। चेहरे को धोने के बाद में इस तरीके से आपको लगाना है पूरे चेहरे पर फेस पैक। फेस पैक अगर सूख गया था तो इसमें आप गुलाब जल मिला करके पेस्ट बना लीजिए, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो फेस पैक आप चेहरे पर जब भी लगाइए तो एक बराबर से लगाइए, एक लेवल में लगना चाहिए, मोटा पतला ना रहे। तो स्क्रब मसाज करने से पहले चेहरे को आप बढ़िया से धो लीजिए, उसके बाद में स्क्रब मसाज करिए 15 से 20 मिनट तक का। स्क्रब मसाज करने के बाद में चेहरे को साफ कर लीजिए, छुड़ा लीजिए चेहरे पर जो भी क्रीम मटेरियल लगा हो पूरा धोने के बाद में। उसके बाद में आप चेहरे पर फेस पैक लगाइए। इस तरीके से आपको लगाना है पूरे चेहरे पर फेस पैक। ये देखिए दोस्तों हमने इनके पूरे चेहरे पर लगा दिया है। तो इस तरीके से आपको लगाना है, पूरा चेहरा पैक कर देना है, कहीं पर भी जगह बाकी ना रहे, कहीं छूटा ना रह जाए। तो लगा करके आप इसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट तक का सूखने के लिए। इस तरीके से पूरा पैक करना है आपको। आँखों के ऊपर भी लगा देना है, आँख के नीचे, मत्थे पर, गले पर, सब जगह लगाना है। अच्छे से लगा करके आप इसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट तक का सूखने के लिए। सूखने के बाद में ये धुला जाएगा। दोस्तों लगाकर के करीब 20 मिनट हो गया, अभी सूख गया है। इस तरीके से आप हाथ मार हाथ से चेक कर लीजिए सूखा कि नहीं सूखा है। जब तक ये सूख नहीं जाता है तो इसको धोना नहीं है। सूखने के बाद में आप इसको धुलेंगे। सूखने से पहले अगर आप इसको धो देते हैं तो इसका कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, चेहरे पर कुछ निखार नहीं आएगा। सूखने के बाद में इस तरीके से पानी मार दीजिए, हल्का सा मसाज करेंगे, बहुत आसानी से साफ हो जाता है, छूट जाता है।
अभी धो करके हम आपको दिखाते हैं कि इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है। उसके बाद में हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों मास्क पैक। चेहरे पर मास्क पैक लगाने से पहले चेहरे को बढ़िया से धो लेना है, साफ कर लेना है। आप देखिए इनके चेहरे का निखार। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फिर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। अब हम इनके चेहरे पर लगाएंगे मास्क पैक। देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है चेहरा, बिल्कुल चमक गया है, बहुत अच्छा खिला है, बहुत अच्छा ग्लो आया इनके चेहरे पर। दोस्तों जी है एवरूथ का गोल्ड मास्क पैक। हम इनके चेहरे पर इसको लगाएंगे। अभी लगाने का तरीका आपको बताते हैं किस तरीके से लगाना है इसको। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट लगा दीजिए, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। इस तरीके से धीरे धीरे संभाल करके लगाइए इसको। इस तरह से आप उंगली से इसको धीरे धीरे फैला दीजिए पूरे चेहरे पर। मास्क पैक आप जब भी चेहरे पर लगाइए तो बालों को बचा करके लगाइए, बाल पे ना लगने पाए। इस तरीके से आपको उंगली से लगाना है। इसमें कुछ मिलाया नहीं जाता, इसमें आपको कुछ मिलाना नहीं है। इस तरीके से डायरेक्ट आप उंगली से लगा दीजिए संभाल के इसको। फेस पैक को आप जब भी लगाइए तो एक लेबल पर लगाइए, एक बराबर रहे, मोटा पतला ना रहे। मोटा पतला अगर हो जाता है लगाने में तो फिर छुड़ाने में दिक्कत होता है। ये देखिए इस तरीके से लगाना है आपको, जैसे कि हमने इनके चेहरे पर लगाया है, पूरा पैक कर दिया है। इसको लगा करके आप 15 से 20 मिनट तक का छोड़ दीजिए सूखने के लिए। जब तक ये सूख नहीं जाता है इसको आप निकालेंगे नहीं। लगा के करीब 20 मिनट हो गया है, ये सूख गया है अच्छे से। हम इसको आपको बताते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा, कैसे छुड़ाएँगे। सूखने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से निकलेगा। इस तरह से इसको छुड़ाना है। ये देखिए इस तरह से निकलता है। अब इस पर आपको पानी नहीं डालना है, पानी डाल देंगे तो निकलेगा नहीं, फिर छुड़ाने में दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको छुड़ा लीजिए पहले। इसको लगाने के बाद में आप सूखने का इंतजार करिए। जब तक ये सूख नहीं जाता है तो ये निकलता नहीं है। सूखने के बाद में कुछ इस तरह से निकलता है जी। ये देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे संभाल करके छुड़ा लीजिए। इस तरीके से इसको धीरे धीरे साफ कर लेना है। पूरा छुड़ाने के बाद में पानी मार करके धो देंगे हम। जो भी हल्का फुल्का कहीं रह गया है स्किन पे, हल्का लग जाता है, कभी कभी रह जाता है, पानी मार करके आप इस तरीके से साफ कर लीजिए, छुड़ा लीजिए।
तभी धो करके हम आपको दिखाते हैं इनके चेहरे का निखार, इनके चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो आया है। ये देखिए दोस्तों, अब इनके चेहरे का निखार देखिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। मसाज स्क्रब और फेस पैक और मास्क पैक लगाने का तरीका हमने इस वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए बहुत अच्छा इनका चेहरा खिला है, बिल्कुल खुश हो गए हैं ये। शुक्रिया, मेहरबानी।